Assalamu alaikum, my dear students. This is Tawheed Parvez, but a source person died in Pura. So, dear students, today I am going to deliver my lecture number 5 of evolution. In this lecture, we will discuss the modern synthetic theory of evolution. So, dear students, in the previous lecture, we have discussed the Darwinism or theory of natural selection in which we discussed the concept of natural selection and we observed that this theory was widely accepted because it has revolutionized the concept of evolution. So, dear students, but we have also observed that Darwin was not able to explain how these variations took place. So, dear students. Darwinism was criticized on behalf of that, on behalf of variations. So, another theory has been framed. We call that theory as modern synthetic theory of evolution. So, dear students, we will try to understand the different processes which gets involved in the modern synthetic theory of evolution so dear students if we talk about the modern concepts modern understandings in the cell biology genetics cytogenetics population genetics and evolution those modern concepts those modern understandings हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू थ्योरी डैट इज मॉडर्न साइंसिस सो दियर स्टूडेंट्स ये थ्योरी दी गई थी जूरिंग नाइनटीन थर्टीज़ में बहुत सारे एवल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का नाम आता है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन आर टू फॉर्मुलेट दिस थ्योरी लाइक दैट ऑफ राइट का नाम आता है मॉलर का नाम आता है हेक्सले का नाम आता है फिशर का नाम आता है स्टैबंस का नाम आता है एट्सट्रा सो डियर स्टूडेंट्स अगर हम मॉडर्न सेंथटिक थ्योरी की तरफ देखते हैं तो एज़ पर मॉडर्न सेंथेटिक थ्योरी जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो बेसड है ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ जीन वेरिएशनस एंड नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं जेनेटिक वेरिएशन या विक से जीन वेरिएशन

तो हम बोलते हैं विद हेल्प ऑफ मॉडर्न सांथिक थ्योरी कि न्यू स्पीसीज कैसे ऑरिजिनेट हो जाती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस सो डियर स्टूडेंट्स मॉडर्न सांथिक थ्योरी को समझने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं और वी कैन से प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन द एवल्यूशन ऑफ लाइफ विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट इज द म्यूटेशन नंबर सेकंड इज द वेरिएशन और वी कैन रिकम्बिनेशन नंबर थर्ड इज़ दिडिटी नंबर फोर्थ इज़ द नेचुरल सिलेक्शन नंबर फिफ्थ इज द आइसोलेशन दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द न्यू हैव सो डियर स्टूडेंट्स पहले हम म्यूटेशन म्यूटेशंस को डिस्कस करते हैं जब हम म्यूटेशंस की बात करते हैं एवोल्यूशन में तो एक्चुअली म्यूटेशन्स होती क्या है जब ऑल्ट्रेशन आ जाती है इन द केमिस्ट्री ऑफ ए जीन इन द केमिस्ट्री ऑफ ए डीएनए तो वो ऑल्ट्रेशंस इफ़ेक्ट करती है फिनोटाइप को तो जब फिनोटाइप इफेक्ट होता है तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं दैन दैट ऑफ द प्रीवियस वन और ये ऑल्ट्रेश जो केमिस्ट्री ऑफ जीन में आ जाती है फिर फिनोटाइप को इफेक्ट करती है ऐसी ऑल्ट्रेशन्स को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स पॉइंट म्यूटेशन्स या जीन म्यूटेशन्स जब ये म्यूटेशन्स आ जाती है किसी जीन के अंदर या जीनोटाइप के अंदर या तो वहाँ पे डरेस्टिक चेंजेस आ जाएंगे, या तो वहाँ पे इनसिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाएंगे दूसरी चीज़ जो म्यूटेशंस होती है वो मोस्टली हार्मफुल होती है वो मोस्टली लिथल होती है लेकिन सारी की सारी हार्मफुल नहीं होती है सारी की सारी लिथल नहीं होती है कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो फेवरेबल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन सो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास म्यूटेंट जीन्स होते हैं वो मोस्टली रिसेसिव होते हैं टू दैट ऑफ नॉर्मल जीन और वो एबल होते हैं एक्सप्रेस होने के लिए इन द होमोजागस कंडीशन यानी कि वो होमोजाइग्स कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाते हैं तो जब वो होमोजाग्स कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाते हैं चूँकि यहाँ पे अब यह ऑल्ट्रेशन आई है, चेंज आई है वो दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज तो डेयर स्टूडेंट्स म्यूटेशन हमें हेल्प करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज दूसरी चीज़ जब हम डिस्कस करते हैं रिकम्बिनेशन या वेरिएशन की बात करेंगे हम पहले चीज जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज़ जो नेचर होता है जेनेटिक वेरिएशन का तो नेचर ऑफ़ जेनेटिक वेरिएशन जो होती है या जेनेटिक वेरिएशन जो होती है वो होती है बिकॉज ऑफ रिशफलिंग ऑफ जीन्स ड्यूरिंग सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जब जीन्स रिशफल हो जाती हैं उनमें चेंजेस आ तो जाती है वो एक हम कह सकते हैं कि रिशफल हो जाते हैं जो जीन एक जगह प्रेजेंट होती है वो दूसरी जगह चली जाती है तो ड्यूरिंग सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में उस चीज़ को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स रिकम्बिनेशन या हम सिंपली कह सकते हैं जब न्यू जीनोटाइप फॉर्म होता है इन द फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीनोटाइप, उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन और जो रिकम्बिनेशन होती है रिकम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है वेरिएशन और जब हम वेरिएशन की बात करते हैं वेरिएशन एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज अब वेरिएशन रिकम्बिनेशन कैसे हो जाएगी या तो डियर स्टूडेंट्स जब प्रोडक्शन ऑफ हिटिरोजाइगस होता है इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिटिरोजाइगस इंडिविजुअल ड्यूरिंग मियोसिस जब हिटिरोजाइगस इंडिविजुअल बन जाता है ड्यूरिंग मियोसिस जब जीन कम्बिनेशन में जो है वो सेम इंडिविजुअल में हो जाएगी लेकिन यहाँ पे जो एलील्स होंगे वो डिफरेंट होंगे दूसरी चीज अगर हम देखेंगे कभी कभार रैंडम मिक्सिंग ऑफ क्रोमोज़ोम्स हो जाती है ड्यूरिंग सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जब रैंडम मिक्सिंग ऑफ क्रोमोज़ोम्स हो जाती है ड्यूरिंग सेक्चुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे रिकम्बिनेशन हो जाती है वहाँ पे वेरिएशन आ जाती है तीसरी चीज़ जो होती है डियर स्टूडेंट दैट इज क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है एक्सचेंज बिटवीन द क्रोमोजूमल पेयर जूरिंग मियोसिस मियास जब मियोसिस के दौरान एक्सचेंज हो जाता है क्रोमोजूम पेयर तो उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर दैट आल्सो लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन वी कैन से दैट आल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स न्यू न्यू जीनोटाइप डियर स्टूडेंट्स और एक चीज़ जो जिससे रिकॉम्बिनेशन हो जाती है फिर वेरिएशन आ जाते हैं दैट इज द क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्रोमोजोमल म्यूटेशन डिफरेंट होती हैं जैसे पॉलिप्लाइडी होती है डिलेशन होती है डुप्लीकेशन होती है इन्वर्जन होता है ट्रांसलोकेशन होता है और ये सारे क्रोमोजोमल म्यूटेशन जब कभी एक कभी एक पॉलीप्लाइडी um, uh, हो जाएगी कभी डिलेशन हो जाएगी कभी डुप्लीकेशन हो जाएगी कभी इन्वर्जन हो जाएगा कभी ट्रांसलोकेशन हो जाएगी तो ये वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं और वो वेरिएशंस हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज और एक प्रोसेस जो मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी में हम डिस्कस करते हैं दैट इज द हेरिडिटी सो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं हेरिडिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन अगर हमें मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन समझना है तो वहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ हरीडिटी माई स्टूडेंट्स हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि हेरिडिटी क्या होती है जब ट्रांसमिट हो जाते हैं करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग तो उस प्रोसेस को हम हरीडिटी कहते हैं लेकिन यहाँ पे एवोल्यूशन में इसका क्या काम है डियर स्टूडेंट्स ने जब हमने प्रीवियसली डिस्कस किए वो थ्योरीज डिस्कस किए या एवोल्यूशन डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि क्या होता है कभी कभार करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज हो जाती है ट्रेट्स जो है वो चेंज हो जाती है और जब न्यू ऑफस्प्रिंग आ, आ जाता है जो ट्रेट्स चेंज हो गए होंगे जिनमें वेरिएशंस आई होंगी वही ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और जब ऐसी वेरिएशन जो न्यूली फॉर्मड वेरिएशन हो वो ट्रांसमिट हो जाएंगी फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ओब्वियसली वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज होंगी क्योंकि यहाँ पे जो करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं वो फेवर करते हैं इनको फॉर स्ट्रग इन द इन द इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जब स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस हो जाती है जिसके पास जितने फेवरेबल करेक्टर्स होंगे उतना वो स्ट्रगल कर पाएगा उतना वो सर्वाइव कर पाएगा और फिर वही चीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी इन द नेक्स्ट जनरेशन एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज डियर स्टूडेंट्स अनदर फैक्टर इज़ द नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन में हमने देखा कि वही करेक्टर्स वही ट्रीट्स ट्रांसमिट होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं सर्वाइव होने फॉर सर्वाइवल और जो एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन डियर स्टूडेंट्स जब हम नेचुरल सिलेक्शन को देखते हैं तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन कभी प्रोड्यूस नहीं करता है जेनेटिक चेंजेस क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक चेंजेस प्रोड्यूस नहीं होते ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन लेकिन अगर जेनेटिक चेंजेस एक बार हो गई तो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो इनको इंक्रेज करती है वो कुछ जीन्स को इनक्रेज करती है इन ऑर्डर टू और अदर्स ताकि वो जीन्स ट्रांसफर हो जाए इन द नेक्स्ट जनरेशन वो उनको फेवर करती है अगर हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन डेवलप करती है अडाप्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द इन्वायरमेंट और नेचुरल सिलेक्शन जब फेवर करती है जेनेटिक कम्बिनेशन को और कुछ चीज़ों को फेवर नहीं करती है उनको रिजेक्ट करती है उससे क्या होता है कंटिन्यूसली मोल्डिंग हो जाती है कंटिन्यूसली मॉडिफाइंग हो जाता मॉडिफाई हो जाता है जीन पुल डियर स्टूडेंट्स तो उससे क्या होता है उससे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसी हो जाती है इसके बाद एक और फैक्टर जो है दैट इज द आइसोलेशन अगर हम आइसोलेशन की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स आइसोलेशन को कहा जाता है इट इस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोसीजर

फिजोलॉज फिजोलॉजिकल बेरियर्यर्यर्स ड्यू टू जियोग्राफिकल बेरियर्स जिसको हम जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं और फिजोलॉजिकल आइसोलेशन कहते हैं या फिजोलॉजिकल बेरियर्स कहते हैं या जियोग्राफिकल बेरियर्स कहते हैं अगर हम जियोग्राफिकल आइसोलेशन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ फिजिकल बेरियर्स आते हैं लाइक दट ऑफ हमारे पास हाई माउंटेंस रिवर्स ओशनस होते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं तो ये चीज़ जो होते हैं ये फिजिकल बेरियर्स ये प्रिवेंट करते हैं इंटरब्रीडिंग बिटवीन द रिलेटेड ऑर्गेनिज्म यानी कि जो एक ग्रुप में ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनको हम स्पीसीज़ कहते हैं ड्यू टू दीज बेरियर दे आर नॉट एबल टू इंटरब्रीड विथ ईच अदर तो यहाँ पे उनकी आइसोलेशन हो जाती है या अगर हम फिजोलॉजिकल बेरियर्स की बात करते हैं फिजोलॉजिकल बेरियर्स जो होते हैं वो मैंटेन करते हैं इंडिविजुअलिटी ऑफ ए स्पीसीज तो जब आइसोलेशन हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स जब इंटरब्रीडिंग नहीं हो जाएगी ये आइसोलेशन जो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन या फिजोलॉजिकल आइसोलेशन ये इनको इंटरब्रीड नहीं करने देंगे तो ऑब्वियसली दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देयर इज नो इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम, वी कॉल इट एज ए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन सो डियर स्टूडेंट्स जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है ये हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़ मैं आपको समझाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पॉपुलेशन है ऑफ ए स्पीसीज़ कह सकते हैं हम और वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं या वो सेग्रीगेट हुए एक दूसरे से अलग हुए ड्यू टू ज्योग्राफिकल और फिजोलॉजिकल बेरियर्स तो कुछ टाइम के बाद इनके अंदर कुछ जेनेटिक डिफ्रेंस आ गई कुछ जेनेटिक वेरिएशन आ गई ड्यू टू या म्यूटेशन आ जाएंगे ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन आर क्रोमोजोमल डियर स्टूडेंट्स रिकमिनीशन के थ्रू भी उनके अंदर वेरिएशन आ जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी इनके अंदर वेरिएशन आ सकती है जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू भी उनके अंदर वेरिएशन आ जाती है और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू भी उनके अंदर वेरिएशनस आ जाती है तो ये पॉपुलेशन जो है ये कंप्लीटली डिफरेंट बन जाते हैं फ्रॉम ईच अदर इन मॉर्फोल मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म वी कैन से मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर जेनेटिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ऑटोमेटिकली दे विल लीड टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज होगी तो मॉडर्न सेंथिटिक थ्योरी जो है इट इज द मोस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी नवाडीज जिसके थ्रू हम इवोल्यूशन को समझते हैं जिसके थ्रू हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ समझते हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे म्यूटेशन न्यू स्पीसीज फॉर्म करती है वेरिएशन हरिडिटी नेचुरल सिलेक्शन आइसोलेशन और डियर स्टूडेंट वी कैन से रिप्रोडक्ट आइसोलेशन कैसे न्यू स्पीसीज फॉर्म करती है तो दिस इज द मोस्ट एंड वाइल्डली Accepted theory of evolution. Thank you, dear students. Assalamu alaikum.